रोड रोलर का एक टन का टायर चुराने वाले दो लोगों को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर धर दबोचा। डीएसपी संगड़ा के अनुसार मामले के अन्य आरोपियों की धरपकड़ की कोशिश भी कर रही है पुलिस। क्षेत्र में अपनी तरह की पहली भारी भरकम चोरी को लेकर ठेकेदार ने कल दर्ज करवाई थी शिकायत। शिमला जिला की चौपाल तहसील के रहने वाले हैं पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए अरविंद व अरुण। जेसीबी ऑपरेटर अरविंद के साथ बतौर हेल्पर काम करता था दूसरा आरोपी। मामला शांत होने के बाद टायर को बेचे जाने की मंशा से हरिपुरधार कॉलेज के समीप जंगल में दबाया गया। एसएचओ संगड़ा के नेतृत्व वाली पुलिस टीम ने भारी भरकम चोरी में इस्तेमाल हुई जेसीबी को भी कब्जे में लिया। क्षेत्र में हुई अपनी तरह की पहली चोरी को लेकर तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं सोशल मीडिया यूजर। पुलिस थाना क्षेत्र संगड़ा के अंतर्गत आने वाले हरिपुरधार के समीप से एक टन से भी भारी तो 12 क्विंटल का रोड रोलर का टायर चुराने वाले दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और बाकी चोरों की भी तलाश जारी है। कल उक्त मामले की पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने वाले ठेकेदार महेश कुमार गोयल के मुताबिक हरिपुरधार हेलीपैड से कहलगांव जाने वाले रोड की मेंटेनेंस के लिए उन्होंने यहां काफी अरसे से इस मशीन को खड़ा किया था और उन्हें ऐसी भारी भरकम चीज की चोरी की उम्मीद भी नहीं थी। इससे पहले गत वर्ष जून माह में हालांकि क्षेत्र के नौराधार के समीप से चोर 4 क्विंटल का जेसीबी का रोक ब्रेकर ले गए थे, मगर एक टन से भी भारी किसी चीज की चोरी का यह पहला मामला क्षेत्र में हुआ है। WWE रेसलर रहे ग्रेट खली के ग्रह जिलास व क्षेत्र में हुई चोरी को लेकर हालांकि सोशल मीडिया यूजर तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं, मगर इतनी भारी भरकम चोरी के आरोपी इतनी जल्दी पकड़ में आने की उम्मीद संभवतः शिकायतकर्ता व आम लोगों को नहीं थी। डीएसपी संगड़ा मुकेश कुमार डाडवाल ने बताया कि पकड़े गए 21 वर्षीय जेसीबी ऑपरेटर अरविंद कुमार शिमला जिला की चौपाल तहसील के बोरा गांव के रहने वाले हैं, जबकि दूसरा चोर व उनका हेल्पर 24 वर्षीय राजेंद्र भी इसी तहसील के कफला गांव का रहने वाला है। उन्होंने बताया कि एसएचओ संगड़ा ब्रिजलाल मेहता के नेतृत्व वाली टीम द्वारा दोनों आरोपियों को पकड़ने के साथ साथ रोड रोलर के लोहे के टायर को भी रिकवर किया जा चुका है और जेसीबी को भी पुलिस कब्जे में ले चुकी है। गौरतलब है कि सड़क पक्का करने में इस्तेमाल होने वाले रोलर के टायर का वजन 12 क्विंटल के करीब तथा इसकी कीमत 2.5 लाख के आसपास बताई जाती है। बहरहाल पुलिस द्वारा महज 24 घंटे के भीतर चोरी के दो मुख्य आरोपियों को पकड़े जाने की लोग सराहना कर रहे हैं और पुलिस अधिकारियों के अनुसार जल्द अन्य सभी आरोपियों को भी पकड़ लिया जाएगा।